देखो भाई, अब आप लोग का एडमिशन होने लगा है और जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपसे जुड़े हुए लोग खुश हो जाते हैं और उसमें मैं भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोग का पेमेंट लिंक आ रहा है, फाइनली आप लोग पेमेंट कर रहे हो, आप ये मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर मुझे ये डिपार्टमेंट मिल गया, ये फैकल्टी मिल गया, तो बड़ा हैप्पीनेस फील हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि मेरे यहाँ जितने लोग भी कोर्स ज्वाइन किए थे जिसमें होम साइंस का बैच है 100% सेलेक्ट है, कुछ बच्चे ही बाकी हैं जो कि ड्यू के इंतजार में है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है पाठशाला का। तो अभी आप सभी को नमस्कार प्रियजनों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे BHOPG 2024 के एडमिशन में। पेमेंट के बाद 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला क्या है, हम लोग अपना पेमेंट रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसिप्ट, आपका प्रमाण पत्र है अभी तक के एडमिशन का। दूसरा, विड्रॉल कैसे करें, जो कि आपको कतई नहीं करना है, अगर क्लिक भूल से भी हो गया तो एडमिशन भूल जाओ, ये प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे नहीं करना है। और थर्ड है फ्रीज, ये वही फ्रीज है जहां पे आप लोग अपना बॉटल का पानी रख के ठंडा करते हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये है BHU के पोर्टल पे फ्रीज का ऑप्शन। तो फाइनली अब आप लोग यहां तक तो पहुंच ही जाते हो, ठीक है। जब यहां तक आप लोग पहुंच जाते हो तो कुछ इस तरीके से जिनका जिनका पेमेंट आ रहा है उनके लिए है कि कुछ इस तरीके से आता है कि यहाँ पे कॉलेज शो करता है, यहाँ पे प्रोग्राम शो करता है, अलोकेशन शो करता है, और लास्ट में यहाँ पे शो करता है आपका क्या पेमेंट का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे देखो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका था, मैं सुबह दिखा चुका हूँ, ये पेमेंट होने के बाद का स्टेटस है, ये बच्ची जो है इन्होंने पेमेंट अपना कर चुका है। और पेमेंट करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन है, एक तो है क्लिक प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, ये सभी को जितने लोग पेमेंट कर रहे हैं प्लीज इसको डाउनलोड करके सेव कर ले अपने गैलरी में, अपने सेल्फी से ज्यादा इसको अभी रेस्पेक्ट करना, ये खोने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्लीज इसको बचा के रखें। अब विड्रॉल और फ्रीज, विड्रॉल तो कतई नहीं करना है, अगर इस पे आप बस क्लिक कर देते हो तो आपका एडमिशन थोड़े ही एक स्टेप प्रोसेस के बाद खत्म हो जाएगा और दोबारा बैकअप भी नहीं ले सकते हो फिर दोबारा। अगर देखो हर बार कम से कम ना 2% बच्चे 1% बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं, मैं बच के वीडियो बना रहा हूं मुझे क्लिक नहीं करना है, तो प्लीज ये ऑप्शन क्लिक नहीं होना चाहिए। और यहां पे है फ्रीज अलोकेशन सीट, ठीक है, अलोकेटेड सीट, यानी कि यहां से अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो, जो कि आप अगर अपने मनचाहे सब्जेक्ट को नहीं प्राप्त किए हो, मनचाहे लोकेशन को प्राप्त नहीं किए हो, तो ये भी फ्रीज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनमें से हर एक ऑप्शन में बस आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करके रखना है, बाकी इन दोनों को तब तक नहीं छूना है जब तक आप चाहते नहीं हो, यानी विड्रॉल तो करते ही पॉसिबल ही नहीं है, आपको विड्रॉल तो करना नहीं है तो इसको तो छूना ही मत। फ्रीज किन परिस्थितियों में करनी है, फ्रीज करनी है जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, मान लो किसी को पहले ही राउंड में DMC मिल चुका है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, अब उसे लग रहा है क्या लफड़ा पंचायत करना, तो चलो एक काम करते हैं फ्रीज पर क्लिक करके फाइनली फ्रीज कर देते हैं, यानी कि अब मैं अपना कोर्स लॉक कर रहा हूं, कृपया मुझे मेरा एडमिट कार्ड दे दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ समय बाद फाइनल एक आपको रिसिप्ट मिलती है जिसको हम लोग फाइनल एडमिशन लेटर या एडमिट कार्ड लेटर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीज किनको करना है, जिनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फाइनली कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। अब बात आती है कि सर ये अपग्रेड कैसे होगा, भाई देखो अपग्रेड के लिए यहां पे क्या है ना कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इट मींस कि इट विल बी ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस, सो प्लीज ध्यान देना है कि ये धीरे धीरे अपने आप प्रोसेस में रहेगा, जब आपका सेकेंड राउंड आएगा उससे पहले अपग्रेड करके सेकेंड राउंड की लिस्ट आएगी, तो ये जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लूंगा, अभी के लिए यही है कि प्लीज आप सभी लोग ध्यान दें कि पेमेंट जिनके पोर्टल पे आ रहा है जाके पेमेंट करें, पेमेंट में अगर कोई इशू आता है तो यहाँ पे जो क्वेरी है वहां पर जाके आप रेज भी कर सकते हो, पेमेंट ऑनलाइन ही हो रहा है ऑफलाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बात और समझाना चाहूंगा, अगर किसी का मल्टी कोर्सेज है, यानी कि ये कोर्स इनको आया है पेमेंट इन्होंने कर दिया है, अब आप चाहते हो कि सर मेरा दूसरा कोर्स आएगा तब क्या करेंगे, वहां पर भी पेमेंट का लिंक आएगा और जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करते हो यही वाला पेमेंट उसमें ट्रांसफर हो जाता है, ऑटोमेटिकली पहला कोर्स कैंसिल हो जाता है और आप बैकअप नहीं ले पाओगे। प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, अभी इनको कोई एक कोर्स मिला है, इनको MCOM मिला हुआ है, सपोज कि इनको MBA में भी एडमिशन लेना है या कोई और कोर्स में एडमिशन लेना है, कल को इनको उस कोर्स में पेमेंट लिंक आ जाता है, तो ऐसे में जैसे ही वहां पे पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगी इनका पेमेंट ये वाला BCOM MCOM वाला उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी कि सर दोनों की फीस अलग अलग होगी, कोई बात नहीं है, तो वो फीस बाद में BHU मेकअप तरह से मैनेज कर लेगा, ठीक है, बाद में, जैसे कि ज्यादा है तो अगर मान लो BHU की फीस सेकंड वाले में ज्यादा है तो आपसे पैसा ले लेगा और आपका पैसा BHU के पास ज्यादा है तो बाद में पैसा आपका रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये विड्रॉल वाला ऑप्शन उसको यूज करना है जो DU में बाद में चला जाएगा या किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और वो BHU में अपना पेमेंट कर चुका है, तो यहां से विड्रॉल करके अपना पैसा वापस कर सकता है, यहां से फिर रिफंड हो जाएगा, कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। प्लीज अब आप जाओ, मुस्कुराना बिल्कुल ना छोड़ो और फाइनली
अपना पेमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।